14-15 घंटे की स्टडी के बाद जो आउटपुट निकलता है क्या उसको कम टाइम में निकाला जा सकता है? तो यस गाइस, बिल्कुल पॉसिबल है। नाउ इस वीडियो के बाद आप भी 14-15 घंटे की स्टडी का जो आउटपुट है उसको 4-5 घंटे में निकाल लोगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम 15 घंटे वाली स्टडी सिर्फ और सिर्फ 5 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आप जब भी किसी नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हो तो टॉपिक से पहले हमेशा उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को रीड करो। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात की मैंने, ऐसा इसलिए कि अगर आप क्वेश्चंस समझ जाओगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसके बाद जब आप स्टडी करने बैठोगे उन टॉपिक्स को, उन थ्योरीज को, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि यस, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, ये वाला जो क्वेश्चन था वो यहां पर है। तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि भाई जो मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूं ना, ये जो टॉपिक पढ़ रहा हूं, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन सी लाइन्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप उन लाइन्स को भी हाईलाइट कर लेते हो, अपने नोट्स में नोट कर लेते हो, जिनसे कभी क्वेश्चन आते ही नहीं है। ये तो रहा पहला फायदा। अगर हम दूसरे फायदे की बात करें तो आपको ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक के कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से पार्ट से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन से पार्ट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सारी चीजें आपकी वही की वही क्लियर हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जब आप आंसर्स को लिखना शुरू करोगे, आंसर्स को समझना शुरू करोगे और टॉपिक को अच्छे से समझोगे, फिर आपको हमेशा पता रहेगा कि इस क्वेश्चन में इस तरह के आंसर्स को लिखना है और इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ स्टेप नंबर 2, ये बात पता तो सबको ही है कि हमें हमेशा अपने बेसिक्स या फंडामेंटल्स को क्लियर रखना चाहिए किसी भी टॉपिक को स्टडी करने से पहले, लेकिन करना कैसे है ये मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता। तो आज सुनो, सबसे पहले कोई चैप्टर रीड कर रहे हो, कोई टॉपिक रीड कर रहे हो, तो उसके पहले उसके की टर्म्स को अच्छे से लर्न कर लो। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स रिलेटेड होते हैं, जैसे क्लास 10 साइंस की बात करें तो अगर आपने लाइट चैप्टर रीड नहीं किया है तो आपको ह्यूमन आई वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सो कोई भी चैप्टर अगर आप रीड कर रहे हो, कोई टॉपिक रीड कर रहे हो, तो उसके फंडामेंटल में या फिर उसके बेसिक्स में अगर कोई टॉपिक रिलेट कर रहा है किसी दूसरे चैप्टर से भी, तो सबसे पहले उसको फिनिश करो। और इससे रिलेटेड एक बोनस टिप देता हूं, तुम्हारे चैप्टर्स में जो की टर्म्स यूज हुए हैं उनको रीड कर लो, जो प्लेसेस यूज हो रही हैं लाइक एसएसटी की बात करें उनको समझ लो, कुछ डेट्स हैं उनको एक जगह लिख लो, कुछ वर्ब्स अलग से, कुछ वर्ब्स होती हैं वो यूज होती हैं लाइक बायोलॉजी में, तो उनको अलग से समझ लो। यानी हर तरह के की टर्म्स को आपको समझना है, इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी और साइड बाय साइड आपका कॉन्सेप्ट का फंडामेंटल जो होगा वो बहुत ही सॉलिड होता जाएगा। स्टेप नंबर 3, अगर कोई टॉपिक रीड कर रहे हो उसके साथ साथ अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं जिनका आंसर तुम्हें अपने नोटबुक में नहीं मिल पा रहा है कि यार ये कैसे हो गया, अगर ये हो जाता तो ऐसा होता या नहीं होता, तो उन क्वेश्चंस को साइड बाय साइड लिखते जाओ स्टडी के साथ ही, और जब तुम्हारा टॉपिक या तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो जाए तो उन क्वेश्चंस के आंसर अगर मिल चुके हैं दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं मिले हैं तो उसके लिए तुम यूट्यूब की हेल्प लो, वीडियोस लेक्चर्स की हेल्प लो या फिर कोई आर्टिकल्स रीड करो, लेकिन वो टॉपिक जब क्लियर हो जाए तभी समझना कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्टेप नंबर 4, हाउ टू प्लान योर स्टडी टाइम, बहुत ही सिंपल है, इसको डिवाइड करते हैं 1:1 में, बहुत ही सिंपल है समझना। अगर आप 1 घंटे की स्टडी करते हो तो अगला 1 घंटा इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दो। अगर आपने 2 घंटे की स्टडी की है तो इन 2 घंटे में आपने जो भी पढ़ा है उनकी प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 आवर्स की करो, फिर आप जो भी टॉपिक रीड करोगे आप बराबर ही उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरे बताए गए टोटल 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप भी 10-15 घंटे वाली स्टडी का आउटपुट 4-5 घंटे में बड़े आराम से निकाल लोगे। और जाते जाते बात करते हैं एक बोनस टिप की। यस गाइस, आप कभी भी कोई नए टॉपिक को स्टडी कर रहे हो या नया सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो तो उससे पहले अपने प्रीवियस डे वाली स्टडी को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो आई एम वेरी श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, तो मेक श्योर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक जरूर करना, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक। लेकिन अगर आप स्टडी टिप्स रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारी आंसर राइटिंग की ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, बहुत हेल्प करने वाली है ये वीडियो। गुड लक।